न्यूयॉर्क में एक और नया सवेरा होता है। स्पाइडरमैन अपनी जॉब पर जा रहा था स्विंग करते हुए, पर हर तरफ पुलिस के सायरन्स की आवाज आ रही थी, लेकिन कोई क्राइम नहीं था। तभी स्पाइडरमैन एक बड़ी सी स्क्रीन के सामने से निकलता है और उस स्क्रीन पर विल्सन फिस्क का वीडियो चल रहा था। न्यूयॉर्क के वासियों, आप सब ने मुझे इस सिटी का मेयर चुना है और मैं भी आपकी ही तरह इस शहर में पैदा हुआ आम आदमी हूँ, तो डरिए मत। जो मेरी स्पेशल फोर्सेज हैं वो आप सबके प्रोटेक्शन के लिए हैं। अवेंजर्स अब हमारी प्रोटेक्शन के लिए नहीं हैं और उनके बीच कई मास्क पहने लोग हीरोज बनने का ढोंग कर रहे हैं, तो मैं बस उनसे जवाब चाहता हूँ कि या तो विजिलेंटी बन के लॉ के अगेंस्ट जाएं या फिर मेरी स्पेशल फोर्सेज के साथ मिलके काम करें। पीटर मन में उसे गालियां देता है क्योंकि उसकी वजह से अब वो ठीक से स्पाइडरमैन भी नहीं बन सकता, क्योंकि ये नई पुलिस फोर्स हमेशा उस पर या डेयर डेविल पर या किसी भी स्ट्रीट हीरो पर गन ताने रहती हैं। तभी वो एक प्राइवेट लैब के बाहर उतरता है और पीटर के कपड़ों में चेंज होता है। वो इस लैब में एज असिस्टेंट काम कर रहा था ताकि रेंट और बाकी के खर्चे उठा सके। इस लैब के मेन साइंटिस्ट और ऑनर है कर्ट कॉनर्स, जिनका भी एक हाथ नहीं है, तो पीटर एक तरह से उन पर नजर भी रख रहा है। और इस लैब में उनके अलावा काम करते हैं उनकी वाइफ और उनकी सेक्रेटरी और असिस्टेंट ग्वेन स्टेसी। और पीटर हमेशा की तरह लेट होता है। तो ये थी पीटर की लाइफ इस टाइम पर। आज कर्ट कॉनर सबको एक स्पेशल सैंपल दिखाते हैं, एक ग्लास बॉटल में बंद सिम्बियोट। किसी को ये एक बार में मिला था और कर्ट ने वहाँ की लैब से इसे खरीद लिया। उनको लगता है कि ये किसी तरह से ह्यूमन बॉडीज की कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में हेल्प कर सकता है, पर उसके लिए उन्हें इसे एग्जामिन करना होगा। पीटर और कर्ट की वाइफ श्योर नहीं होती, पर ग्वेन एक्साइटेड थी इस पे वर्क करने के लिए। पीटर की लाइफ अब ऐसे ही चलती है, पुलिस वालों से बचते हुए क्राइम फाइटिंग करना और ग्वेन के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है, जहां उसे पता चलता है ग्वेन के बायोलॉजी प्रोफेसर के बारे में, माइस वॉरेन नाम से, जो भी कर्ट की ही तरह ह्यूमन बॉडी को परफेक्ट बनाने में लगा था और क्लोनिंग से ऑब्सेस्ड था। एक दिन स्पाइडरमैन लेट नाइट हीरोगिरी से वापस आ रहा था कि उसका वेब फ्लूड खत्म होने लगता है, पर कॉनर्स की लैब पास में ही थी और वहाँ पीटर ने एक्स्ट्रा वेब फ्लूड रखा था अपने लॉकर में। वो छत से सीक्रेटली क्रॉल करता हुआ अंदर जाता है, पर डॉक्टर कर्ट वहीं थे। पीटर जल्दी से अपने लॉकर से फ्लूड लेके वापस जा ही रहा होता है कि वो देखता है कि कर्ट ने सिम्बियोट को फ्री कर दिया है और वो धीरे धीरे कर्ट पे चढ़ने लगता है। स्पाइडी जल्दी से नीचे कूद के कर्ट को बचाने लगता है, पर सिम्बियोट डॉक्टर को छोड़ के स्पाइडी पे चढ़ने लगता है। स्पाइडी अपनी पूरी ताकत लगा के सिम्बियोट को खुद से दूर खींचता है और उस प्रोटेक्टिव फ्लास्क में बंद कर देता है। कर्ट उसे थैंक यू बोलते हैं कि वो बस जानना चाहते थे कि सिम्बियोट ह्यूमन बॉडी पर कैसे रिएक्ट करेगा, पर अब वो ऐसा नहीं करेंगे। पर इतनी कोशिशों के बाद भी वो सिम्बियोट, जो इतनी जल्दी ग्रो कर गया था पीटर के अटैचमेंट से, उसका छोटा सा पार्ट पीटर पर रह जाता है। कुछ दिनों तक तो पीटर को पता भी नहीं चलता, लेकिन वो सिम्बियोट पीटर की बॉडी पर धीरे धीरे ग्रो करने लगता है। उधर प्रोफेसर माइस खुद पर क्लोनिंग टेस्ट कर रहे थे। उस रात जब पीटर ग्वेन को छोड़ने जा रहा था बस से, तभी बस पर एक ग्रीन कलर का बैट जैसा आदमी का उस बस पर अटैक होता है। पीटर ग्वेन को बचाने की कोशिश करता है और ये देखकर वो मॉन्स्टर और गुस्से में आ जाता है। वो उन दोनों के पीछे भागता है और पीटर को हाथ मार के वो ग्वेन को उठा के बिल्डिंग पर चढ़ने लग जाता है। पीटर रेग्रेट करता है कि वो अपना स्पाइडी सूट घर पर भूल गया है, कि तभी उसकी बॉडी कवर हो जाती है एक ब्लैक स्पाइडी सूट से। वो कंफ्यूज था, लेकिन ग्वेन को बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। वो मॉन्स्टर को मारता है, ग्वेन को कैच करता है और कुछ जोक्स मारता है कि एक मॉन्स्टर लड़कियां क्यों किडनैप कर रहा है, और वहाँ वो मॉन्स्टर अपना नाम जैकाल बताता है। पर पीटर उसे आसानी से हरा देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। पीटर ग्वेन को संभालता है, वो थैंक यू बोलती है, पर पीटर को ढूंढने निकल पड़ती है। स्पाइडी फटाफट एक एलआई में जाता है और वो सूट अपने आप उतर जाता है और ग्वेन के पास जाके कंफ्यूज होने का नाटक करता है। ग्वेन उसे अपने अपार्टमेंट ले जाती है, जहां वो उसके डैड से मिलता है, जो कि एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। अब वो पुलिस वाले नहीं रहे। वो बताते हैं कि कैसे फिस्क ने पूरी पुलिस फोर्स पे कंट्रोल कर लिया है और वो पास्ट में कैसे इतना बड़ा क्रिमिनल था और वो उसके लिए काम नहीं कर सकते। तो अब वो बिना पुलिस ऑफिसर बने ही लोगों की हेल्प करना पसंद करते हैं। इस यूनिवर्स में उन्हें स्पाइडरमैन पसंद है और ग्वेन की कहानी सुन के वो पीटर को वहाँ रहने देते हैं, क्योंकि वैसे भी उस अपार्टमेंट में वो दो ही लोग रहते थे। पीटर अकेले में चेक करता है तो उसकी चोट जा चुकी थी। पीटर और ग्वेन बात करते हैं और उन दोनों की क्लोजनेस बढ़ जाती है। उस रात पीटर को कुछ याद नहीं रहता, पर उसके सोने के बाद भी उसकी बॉडी न्यूयॉर्क की पेट्रोलिंग कर रही थी। क्रिमिनल्स को
पकड़ रही थी और पीटर सुबह थका हुआ था। वो उनके साथ ब्रेकफास्ट करता है, तब टीवी में देखता है कि रात में स्पाइडरमैन ने कुछ रॉबर्स को पकड़ा है और उनको जालों से लटकाया हुआ है, पर वो जाले ब्लैक थे। वहीं जब फिस्क के ऑफिसर्स ने उसे पकड़ना चाहा तो स्पाइडी ने उन्हें भी एक दो टिका दी, पर पीटर को कुछ भी याद नहीं था। पीटर को समझ आ गया था कि ये जरूर उस सिम्बियोट ने ही किया है और वो स्पाइडी बन के कर्ट से मिलता है। उसके अंदर डिजायर जागता है, जैसे कोई इससे बोल रहा हो कि इस नई पावर को यूज कर, पर पीटर अभी भी कर्ट से बोलता है कि सिम्बियोट के बारे में और पता लगाओ और कैसे उसे पीटर से अलग किया जा सकता था। पीटर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, बट समहाउ वो सिम्बियोट का उस पर इतना कंट्रोल नहीं था क्योंकि सिम्बियोट का बहुत छोटा सा ही टुकड़ा उससे जुड़ा था। तो कर्ट उसे रिलैक्स होने के लिए बोलता है जब तक वो उसकी जांच करते हैं। इधर माइल्स वॉरेन की लैब तबाह हो चुकी थी, उसका असिस्टेंट मारा जा चुका था, तो वो अब अपनी जॉब एज प्रोफेसर भी छोड़ देता है। वो खुद पर भरोसा नहीं कर पाता और यहाँ हमें माइल्स का थोड़ा पास्ट और उसकी कैरेक्टर इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। माइल्स जानता है कि असल में उसका एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, उसके क्लोनिंग ऑब्सेशन की वजह से उसकी वाइफ ने उसे छोड़ दिया और अब इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट ने उसे एक मॉन्स्टर यानी जैकाल बना दिया है। पर उसके अंदर का जैकाल बोलता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इस नई ताकत के साथ वो बहुत कुछ कर सकता है। थोड़ी देर खुद से लड़ने के बाद वो खुद पे और एक्सपेरिमेंट करता है, पर इसका नतीजा होता है कि अब वो परमानेंटली जैकाल बन जाता है, पर उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और क्विक हीलिंग भी आ जाती है। फिर हमें पता चलता है कि उसका गोल क्या था। असल में वो प्रोफेसर ग्वेन स्टेसी से ऑब्सेस्ड था और ग्वेन को अपना बनाना चाहता था, पर ये पॉसिबल नहीं था, तो उसने सोचा क्यों ना मेरे दोनों ऑब्सेशन को मिला दूं और ग्वेन का क्लोन बना लूं। पर ये फेल हो गया। वो अभी भी ट्राई करना चाहता है क्लोनिंग का, पर ग्वेन से उसका ऑब्सेशन कंट्रोल नहीं होता और ग्वेन को झूठ बोल के अपने घर बुला लेता है, जहां ग्वेन को बस एक मॉन्स्टर जैकाल मिलता है जो उसे किडनैप कर लेता है। लेकिन ग्वेन ने उस मोमेंट पे एक SOS भेजा था अपने मोबाइल से उस जैकाल के दिखते ही, जो उसके डैड के पास जाता है, जिससे ग्वेन की लोकेशन भी उसके डैड के पास पहुंच जाती है। तो डैड पुलिस में अपने कनेक्शंस यूज करके जकाल का घर पहुंच जाते हैं, पर उस घर में कोई नहीं था। वो पीटर को, कर्ट की लैब को, सबको कॉल करते हैं कि ग्वेन का पता चले। पीटर अपना सिम्बियोट सूट लिए शहर के चक्कर लगाने लगता है ग्वेन को ढूंढते हुए। ऐसे करते करते शाम हो जाती है, बट तभी पीटर को मिस्टर कॉनर्स का कॉल आता है कि कर्ट का फोन बंद आ रहा है और वो शहर से बाहर है, तो क्या वो चेक कर सकता है। पीटर ग्वेन को ढूंढते ढूंढते लैब तक जाता है, जहां उसे दिखता है कि कर्ट साइड में बेहोश पड़े हैं और जैकाल ने ग्वेन को एक बड़ी सी ट्यूब में बंद कर रखा है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। जैकाल का बार बार हील होना पीटर को प्रॉब्लम दे रहा था, पर उस लैब के आसपास तबाही मचाने के बाद सिम्बियोट ओवरटेक करता है पीटर को और वो जैकाल को चांस भी नहीं देता उठने का। पर वो जैकाल को कम्प्लीटली मार दे उससे पहले पीटर खुद को कंट्रोल कर लेता है और कॉप्स वहां आ जाते हैं स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ। वो जैकाल को पकड़ लेते हैं, जो फाइनली बताता है कि वो प्रोफेसर माइल्स वॉरेन है, और स्पाइडी वहां से निकल जाता है इससे पहले कि कॉप्स उस पर अटैक करें, और वो फटाफट पीटर बन के वापस आता है। ग्वेन सेफ थी, कर्ट कॉनर सेफ थे, ग्वेन के डैड खुश थे और जैकाल के स्क्रीम से एक मिनट के बैटल में ही पीटर का सिम्बियोट उस पे से हटा था, तो पीटर को पता था कि ऐसे नॉइज उसके लिए खतरनाक है। पर वो सिम्बियोट को अभी भी गिव अप नहीं करने वाला था और उस मोमेंट पे ग्वेन को भी पीटर का चेहरा दिख गया था, पर ये बात वो पीटर को नहीं बताती। वो पीटर का सीक्रेट खुद के पास छुपाती है, पर उसकी और पीटर की रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी, पर वो गर्लफ्रेंड बनने तक नहीं पहुंची थी। वहीं हमें एक मिड क्रेडिट सीन मिलता है, जहां कर्ट कॉनर सभी लैब मेंबर्स इंक्लूडिंग पीटर को बताते हैं कि जैकाल के लैब पर अटैक से पहले कोई और लैब पर आया था, एक व्हाइट बालों वाली औरत जिसने ब्लैक मास्क, ब्लैक बॉडी सूट पहन रखा था जिसमें फुर लगा हुआ था, और वो कर्ट के हाथों से ही सिम्बियोट को चुरा के ले गई। तो अब सिम्बियोट कहाँ है किसी को नहीं पता। और फिर एक एंड क्रेडिट सीन जिसमें पीटर सिम्बियोट सूट पहने एक रूफ टॉप पर बैठा था कि तभी स्विंग करता हुआ एक और स्पाइडरमैन आता है ब्लैक एंड रेड सूट में, और वो बोलता है मेरा नाम माइल्स है और मेरा यूनिवर्स खत्म हो चुका है और तुम्हारा भी हो सकता है अगर हमने कुछ नहीं किया तो। तो ये था मेरा वर्जन टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन 4 का। और हाँ, मैंने सिम्बियोट सूट अभी भी यूज में इसलिए रखा हुआ है क्योंकि हाँ, सिम्बियोट उस पे स्लोली कंट्रोल कर रहा था, लेकिन एक ही मूवी में इस प्लॉट को खत्म करना अच्छा नहीं, और सीक्रेट वार्स में ये सूट बहुत काम आएगा। प्लस ये कहानी पुरानी MCU मूवीज पर उतना डिपेंड नहीं करती, ये खुद की कहानी है सारे नए कैरेक्टर्स के साथ, ताकि वो फ्रेश फील आए। एक
परफेक्ट स्पाइडरमैन मूवी की। प्लस ग्वेन और उसके डैड को जिंदा रखना क्योंकि अब वो पुलिस में नहीं है, कर्ट को लिजार्ड नहीं बनाना, ब्लैक कैट का सिम्बियोट चुराना, पता नहीं किसके लिए, ये सब कुछ बॉर्न अगेन के बाद सेट है, इसीलिए फिस्क मेयर है, तो बेसिकली ये फ्रेश भी फील होगी। बाकी तुम बताओ कि तुम्हें ये स्टोरी कैसी लगी, और मेरे पुराने नरेशन भी जरूर चेकआउट करना। You made a pretty good team. Maybe you should change sides. Okay, then why did you help me? You really don't know.